रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर कर रहे हैं सिल्वर निटिंग नीडल्स, और आज हम इसमें कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज हम उसमें बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, और इंग्लिश ग्रामर में हम बात कर रहे हैं वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन है एक्शन वर्ड्स दैट टेल व्हाट वी आर डूइंग। वो अल्फाज जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं वर्ब कहलाते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी हम अगर अमल करें तो अल्फाज की निस्बत वो हमारी गवाही ज़्यादा बेहतर तरीके से देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, तो हमारे अमाल से ज़ाहिर होना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सफाई और पाकीज़गी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में जगह जगह आया है, और जो ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। अगर अल्लाह ताला से हम अजर चाहते हैं तो वो अमाल के ऊपर है। अब आप ये देखें, ये है रीड, पढ़ना, ये एक वर्ब है रीड। फिर आप ये देखें प्ले, प्ले से भी है एक्शन करते हैं, खेलना इसको कहते हैं उर्दू में। इसी तरह थिंक, सोचना भी एक काम है, जब आपका दिमागी तौर पे आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। और इसी तरह ख्वाहिश करना, वांट्स, के बाप से बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे बाइक चाहिए। तो इससे हमें पता चला कि एक्शन वर्ब जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फिजिकल जिससे हमें जिस्मानी तौर पे पता चलता है कोई काम कर रहा है, और मेंटल एक्शन, और दिमागी एक्शन जिससे दिमागी काम होता है, जैसे खेलना और पढ़ना जो है ये फिज़िकल वर्ब्स हैं, और सोचना और ख्वाहिश करना जो है ये मेंटल वर्ब्स हैं। अब आप देखें इस तस्वीर को देख के आपको क्या नज़र आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये शेफ़ है, ये कुकिंग कर रहा है। तो कुक, खाना पकाना जो है वो एक एक्शन वर्ड है। इसी तरह दिस गाय इज लाफिंग, कहका लगा रहा है, ठीक है। तो कहका लगाने को इंग्लिश में कहते हैं लाफ, तो ये भी एक एक्शन वर्ड है। इसी तरह आप देखें कि ये क्या कर रहा है, ही इज स्लीपिंग, ये सो रहा है। तो सोने को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप, तो स्लीप जो है वो भी एक एक्शन वर्ड है। इसी तरह जानवर भी जो काम करते हैं, जैसे ये दो कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, और भौंकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाक। तो कुत्ता, कोई जानवर या इंसान जो भी काम करे वो वर्ब कहलाता है। अब हम लर्न, लोकेट 5 एक्शन वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो सबसे पहला जो स्टोरी में वर्ड यूज़ हुआ है वो है वांटेड। सना वांटेड टू बी जस्ट लाइक हर ग्रैंड मदर व्हेन शी ग्रू अप। अगर हम इसको नए सेंटेंस में यूज़ करें, वी वांटेड टू कीप आवर टास्क अ सीक्रेट। फिर इसी तरह शी कुड यूज़ हर सिल्वर निटिंग नीडल्स टू निट। ये हमने बुक में से लिया निट, और इसका अगर नया जुमला बनाएं तो शी वॉज बिजी विद हर निटिंग, वो अपनी निटिंग में मसरूफ थी। इसी तरह हर टीचर हैड आस्क्ड एवरी स्टूडेंट, टीचर ने हर एक स्टूडेंट से पूछा। अगर हम इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करें, ही आस्क्ड हर नेम, उसने उसका नाम पूछा। फिर एक और हमने स्टोरी में लोकेट किया, शी ओपन्ड हर बैग, उसने अपना बैग खोला। अगर हम अपने सेंटेंस में यूज़ करें, शी ओपन्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। इसी तरह हमने स्टोरी में देखा कि सना वॉक्ड इनटू दादीज रूम, सना दादी के रूम में चल कर गई। और अपने सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करें तो आई कैन वॉक, मैं चल सकती हूँ। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि लुक अराउंड एंड फाइंड आउट एक्शन वर्ब्स नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। अब ये क्या है, पुश, किसी चीज़ को धक्का देना। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पुशिंग अ ट्रॉली, पुश अ कार्ट। तो एक कार्ट को, ट्रॉली को पुश करना, धक्का देना। फिर ये क्या कर रहा है, रन, दौड़ रहा है। और इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो रन अराउंड, इधर उधर भागने को रन अराउंड कहते हैं। इसी तरह
आप देखें कि यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, सिट। सिट कहते हैं बैठने को। अगर हम इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करें तो जब हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं प्लीज़ सिट डाउन, बराह करम बैठें। तो इसी तरह ये क्या है, स्टैंड, खड़े होने को स्टैंड कहते हैं। और जब हम बात करते हैं किसी से तो कहते हैं प्लीज़ स्टैंड अप, बराए मेहरबानी खड़े हो जाओ। तो प्लीज़ कहने से जो है वो सॉफ्टनेस आ जाती है जुमले में। फिर ये क्या कर रहा है, वॉश। वॉश क्या कर रहा है, अपने हैंड्स को वॉश कर रहा है। तो वॉश माई हैंड्स, मेरे हाथ धो दो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको एक्शन वर्ब्स की समझ आई होगी, एग्जाम्पल्स की भी, सेंटेंसेस की भी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।